कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के सेशन में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे इसमें लोहे की जानकारी, लोहे में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, लोहे का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की जानकारी देंगे कि लोहा इंगट में आप दिसंबर मंथ में बाजारों में आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव जानकारी जो मंथली प्रकाशित होती है और रोजाना भी जो प्रॉपर आप लोगों को जानकारी मिलती है, आप लोगों को मिलती रहे। आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर जाके आप वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बाजार खुलने से पहले मार्केट की जानकारी दी जाती है। चलिए बात करेंगे लोहे बाजार में, लोहे बाजार में और एमएस स्क्रैप में, साथ ही सरिये के बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। और आने वाले समय में जो आपका जो दिसंबर का मंथ है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एक्सपोर्ट टैक्स गवर्नमेंट ने रिमूव किया, उसके बाद बाजारों में एक तरफा तेजी आई और लगातार आपने देखा पिछले हफ्ते, पीछे 15 दिन में बाजारों में आपने देखा एक गिरावट भी बाजारों में देखी गई और बाजार में एक जबरदस्त गिरावट के साथ आपने देखा कि बाजार कहां पर आ गया। बाजार ऊपरी स्तर से आप देखेंगे जो 55,000 रुपए वाला बाजार चल रहा था, 42,000 रुपए तक नीचे में आ गया और 42,000 रुपए के आसपास भी न्यूज मार्केट 24 ने आप लोगों को वहीं लोअर लेवल पर सतर्क किया था कि कोई भी फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करेगा। फॉरवर्ड सेलिंग जिसको करनी हो अपने हिसाब से करिएगा, फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करेंगे, यहां से खरीदारी करेंगे। यहां से जिन लोगों ने न्यूज मार्केट 24 को वॉच किया, बाजारों में एक अच्छी रिकवरी आई और बाजारों में एक बार 46,500 रुपए तक एमएस इंगट का मंडी गोविंदगढ़ में बाजार चला गया। बाजारों में अब मार्केट का जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, अब एमएस इंगट का अगर आप आउटलुक लेके चलेंगे तो इस मंथ का जो आउटलुक है, आप ये समझ के चलिए जो इंगट का जो भाव है, इंगट का भाव 44,000 रुपए का नीचे एक बेस है, 44,000 रुपए के सपोर्ट और ऊपर में जो लेवल ऊपर निकल के आ रहा है वो 50,000 रुपए तक का निकल के आ रहा है। ये बड़ी रेंज में बाजारों में कामकाज होगा। ओवरऑल पॉसिबिलिटी है जो 60% पॉसिबिलिटी है, जो ऊपर में 50,000 की रेंज पहले प्राप्त होनी चाहिए कि 50,000 रुपए की रेंज में बाजार जाना चाहिए। और बाजार आप देख भी रहे, लगभग 47,000 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। और आप पुराना लोहे की अगर बात करेंगे, पुराना लोहा भी जो 35,200 रुपए के आसपास चल रहा है, तो यहां से लगभग 3,000 रुपए की तेजी बाजारों में यहां पर एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में। और तेजी आने का मुख्य कारण आपको बता देते हैं, तेजी आने का मुख्य कारण क्या है। तेजी आने में लगातार आप देख रहे थे कि बाजार पीछे, आप ग्लोबली डिमांड कमजोर पड़ी हुई थी, उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा था। लगातार चाइना नहीं सपोर्ट कर रहा था, कोविड के केसेस वगैरह बढ़ रहे थे, लगातार चाइना का सपोर्ट नहीं हुआ और कोविड के केसेस बढ़े और भारतीय बाजारों में भी उसका असर साफ साफ आपको देखने के लिए मिला और बाजारों में आपने देखा एक पैनिक सेलिंग बाजारों में आपने देखी। तो अभी जो लेटेस्ट जो पिछले हफ्ते जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पिछले हफ्ते जो चाइना में, आप लोगों को मालूम है कि चाइना में जो कोविड के जो केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वहां पर जो रिलीफ दिया गया, कई सिटी को फिर से खोला जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर, जो सबसे बड़ा जो उपयोग करता है, तो लोहा स्टील के मामले में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा यूज करने वाला है। तो वहां पर अगर डिमांड जैसे ही खुलेगी, तो उसकी सुबुकाहट से ही और बाजारों में यहां पर आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में एक जबरदस्त एक आप निचले स्तर से एक सेंटीमेंट सुधरा है और बाजारों में आप देख रहे हैं कि लगभग 46,500 रुपए पे, अगर आप बीते दिनों की बात करी जाए तो बाजारों में एक बार 45,800 रुपए तक बाजार गया, लेकिन जो बाजार बंद हुआ 46,500 रुपए। तो बाजारों में ओवरऑल आउटलुक इंगट बाजार का सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे कि तो इसके हिसाब से सरिये के बाजार में उतनी बढ़िया तेजी नहीं आ रही है। सरिये के बाजार में तेजी आने का ना आने का मुख्य कारण यह भी है कि सप्लाई डिमांड बहुत कंसर्न है, बाजार में बहुत ज्यादा कैश फ्लो नहीं आ पा रहा है, कैश फ्लो की बहुत ज्यादा दिक्कत है, सारे लोग सालक शादी बरातों में व्यस्त हैं तो कैश फ्लो नहीं है बाजार में। जब कैश फ्लो नहीं है, इसलिए सरिये का बाजार बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं आ पा रही है। बाजारों में एक रेंज अमाउंट, एक सीमित दायरे में ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। इंगट में जबकि आप देखेंगे लगभग 4,000 रुपए की बढ़त आ चुकी है, आप देखेंगे सरिया में 2,000 रुपए बाजार नहीं बढ़ पाया। उल्टा जलना जैसी जगह में, दुर्गापुर रायपुर जैसी जगह में उल्टा बाजारों में आप देख रहे हैं डेंट पड़ गया, यानी कि बाजार नीचे की तरफ हो गया है। तो बाजार में आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में जो ग्लोबल सिनेरियो का जो एक सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे से सुधरेगा जब बाजारों में इंगट में बाजारों में एक जो पावर एक नजर आएगी कि इंगट के बाजार स्टेबल होता हुआ अगर बाजार में नजर आएगा कि हाँ, व्यापारियों को नजर आएगा कि हाँ इंगट का बाजार यहां से स्टेबल है, तो बाजारों में आप देखेंगे सरिया के बाजार में भी यहां से रिकवरी बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि सरिया
का बाजार भी आप धीरे धीरे बाजारों में यहां से रिकवरी देखेंगे। तो सरिया के बाजार में जो लेवल है नियर अबाउट 48,000 रुपए के लेवल से इंगट पे आप लोग खरीदारी की सलाह दी गई थी। 48,000 रुपए से आपको बताया था कि 48,000 रुपए से लेवल आप जो देखेंगे आप ऊपर 52,000 रुपए तक का लेवल देखेंगे, लगभग ऑलमोस्ट 52,000 रुपए का लेवल आ चुका है। अब जो बाइक खरीदारी करनी है कहीं पर गिरावट आती है 50,000 रुपए के निकट आता है तो वहां खरीदारी करिए, और जो लोग खरीदारी करके चल रहे हैं तो यहां से भी 52,000 से 55,000 रुपए तक सरिया का बाजार जाने का स्ट्रेंथ अभी भी बाजारों में बना हुआ है, क्लियर कट बना हुआ है कि बाजारों में स्ट्रेंथ है। तो बाजारों में अभी जो बाजारों में अभी आप देख के चल सकते हैं कि बाजार में जैसे ही जैसे ग्लोबल अस्थिरता अमेरिका के बाजार में कुछ और अच्छे सुधार की संभावना नजर आ रही है, और यहां आप देखेंगे कि लोकल जो बाजारों में अगर यहां पर बिक्री हल्की फुल्की अगर सपोर्ट करना चालू करती है तो बाजारों में एक अच्छी तेजी यहां से बनती हुई देखेंगे। बाजारों में फॉरवर्ड सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बाजार में बाइंग ऑन डिप नीचे का आपको लेवल दे दिया। अगर आपको खरीदारी करनी है नोट करिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, बार बार कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। 44,000 रुपए का नीचे लेवल है, प्लस माइनस 500-400 आप उसको कर लीजिएगा। 44,000 रुपए का लेवल है, निचला लेवल 44,000 का अगर टच करता है बहुत बढ़िया लेवल मिलेगा। अगर आपको 44,000 का लेवल टच करे वहां से आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक अच्छा जबरदस्त मुनाफा होगा, और बाकी आप यहां पर भी रेंज बेटर है, यहां पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो लोग खरीदारी करके चले आ रहे हैं यहां से धीरे धीरे लेवल, एक जो पहला जो ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल है 48,000 का है, उसके बाद 50,000 रुपए तक आप इंगट के भाव देख के चल सकते हैं। ये दिसंबर मंथ का आउटलुक हमने आपको बता दिया, दिसंबर मंथ में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। इसी तरीके से आपको पुराने लोहे का, पुराने लोहे में जिन लोगों को भी खरीदारी करनी है पुराने लोहे में भी आप अभी जो 35,000 रुपए का रेट चल रहा है नियर अबाउट आपको कहीं पर 1 से 1.5 हज़ार रुपए कहीं घट के आपको स्क्रैप का रेट मिल जाता है तो आप खरीदारी करिए। 34,000 से 34,500 रुपए की रेंज में खरीदारी के 33,500 की रेंज में आप खरीदारी करिए, यहां से आपको एक अच्छी रिकवरी बाजारों में दिखाई देकर चल सकती है। लेकिन अभी भी जो ऊपर में जो लेवल है 35,000 अभी करीब आप पुराना लोहा चल रहा है, यहां से आप जो लेवल जो आपको दिखाई देकर चल सकता है तो ऊपर का लेवल जो दिखाई देकर चल सकता है लमसम जो 35,000 वाला 38,000 रुपए तक का लेवल दिखाई देकर चल सकता है, 38,000 का एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। इसी तरीके 50,000 का एक इंगट का रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो एक जबरदस्त तेजी आप बाजारों में और भी देखेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल का आउटलुक आपको 15 से 20 दिन जो बचा अभी दिसंबर मंथ में जो आपको वर्किंग करनी है, जो वीडियो जब प्रकाशित होगा तो हो सकता है 1 से 2 दिन डिले भी हो सकता है क्योंकि वीडियो बनाने में एडिट करने में थोड़ा समय लगता है, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया जो भी आपका 15-20 से 25 दिन जो बचेगा आप लोग खरीदारी करने का, जो लेवल हमने आपको बता दिया उस लेवल से खरीदारी करिए। सरिया बाजार में आपको खरीदारी करनी है नियर अबाउट 50,000 रुपए के आसपास से करेंगे तो 50,000 से ऊपर में आप लेवल 55,000 रुपए तक लेवल देख के चल सकते हैं। नीचे के लेवल आपको लेवल ऑलरेडी बता दिए कि लेवल के ऑलरेडी कहां तक बाजार कहां तक नीचे में, नीचे में सरिया का बाजार अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट क्लास सिनेरियो होता है, खराब सिनेरियो होता है तो 49,000 रुपए आप टच हो सकता है। लेकिन बाजारों में जिस हिसाब से ग्लोबल में बाजारों में सुधार संभावना नजर आ रही है उसका इंपैक्ट आप देखेंगे कि बाजारों में आप एक अच्छी तेजी आती हुई बाजारों में आपको नजर आके चल सकती है। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मेटल बाजारों में जबरदस्त तेजी है, सोने चांदी में भी आप देख के चल सकते हैं, एक तरफा तेजी का माहौल बना हुआ है। इसी तरीके की आप लोगों को जानकारी हमने आप लोगों को पूरा मार्केट पे किस तरीके से खरीदारी करनी है, फॉरवर्ड सेलिंग नहीं करनी है, बाकी खरीदारी बिक्री करने से पहले नोट करिएगा, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर ट्रेडर ब्रोकर से 10 बार सलाह लीजिएगा। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से जानकारी दी जा रही है, हमारा या हमारी कंपनी का कोई भी खरीद बिक्री से लेना देना नहीं है, आपके घाटे मुनाफे में कोई हमारा लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो भी जानकारी हम देते हैं एजुकेशन पर्पस से जानकारी देते हैं, आप खरीद बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर ट्रेडर ब्रोकर से 10 बार सलाह लीजिए और अपना भी बुद्धि विवेक जरूर लगाएंगे तो आप लोगों को जानकारी, हमारे एफर्ट रहता है कि हम आपको जानकारी आपको अपनी तरफ से 101% देने की जानकारी कोशिश करते हैं, अपना एफर्ट 101%, लेकिन कमिटमेंट नहीं है कि सर 110%। ये मार्केट के टेक्निकल लेवल है, टेक्निकल लेवल चेंज भी होते रहते हैं, फंडामेंटल लेवल है रोजाना चेंज भी होते रहते हैं। जो मार्केट का व्यू जिस हिसाब से पिछले साल बाजारों में कामकाज हुआ है, जिस हिसाब से इस साल बाजारों में कामकाज हो रहा है, उसका एक टेक्निकल का जो मिक्सर होता है, जो 17 से 18 साल का हमारा मेरा अनुभव है, मैं अजय सिंह मेरा अनुभव है, मैं पूरा निकाल के आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ कि जिस हिसाब से आप मार्केट में वर्किंग कर पाए और जिस हिसाब से आप वर्किंग करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा पाए। तो ये लॉन्ग टर्म के व्यू वालों के लिए है, जो लॉन्ग टर्म का व्यू मैं आप जिनको वर्किंग करनी है उनके लिए व्यू है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट
करिएगा कि आप सोचें आज खरीदारी कराए कि आज आपके वीडियो में बताया गया आज खरीदारी करिए और कल बढ़ जाएगा, इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, 20 से 25 दिन के पास जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी हो और 2 से 3 हज़ार रुपये नीचे का एक अपना घाटा देखने की क्षमता हो वो व्यापार करेगा तो बेटर रहेगा। आप सोचें कि नहीं सर आज आपने बिल्कुल रॉकेट की तरीके बता दिया, कल से घटेगा ही नहीं, तो बाजार है, टेक्निकल फंडामेंटल की रोजाना रिपोर्ट आती है। रोजाना रिपोर्ट के लिए मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर रोजाना बाजार खुलने से पहले मार्केट के ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको दिया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है, इस महीने में किस तरीके से लोहे में कामकाज होगा, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से इसी तरीके से एक्सक्लूसिव वीडियो में। अगर दी गई जानकारी और वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, एक्सक्लूसिव फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि और भी हम और जानकारी और भी बेटर बनाने की कोशिश कर सकें। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।